ब्राह्मण समाज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। हाथरस की शासनी कोतवाली क्षेत्र में ब्राह्मण समाज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करना शासनी उप जिला अधिकारी के लिए गले की हड्डी बन गया है। शासनी नगर में जगह जगह ब्राह्मण समाज के लोग बैठक कर SDM शासनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के लिए योजना तैयार कर रहे हैं। उप जिला अधिकारी ने परशुराम शोभा यात्रा निकालने पर ब्राह्मण समाज के 26 नामजद सहित 201 लोगों के खिलाफ आचार संहिता का मुकदमा दर्ज कराया था, जिससे समाज के लोगों ने उप जिला अधिकारी के खिलाफ जाने का मन बना लिया है। हाथरस के कस्बा शासनी में ब्राह्मण समाज द्वारा 17 अप्रैल को परशुराम की हवन पूजा कर एक शोभा यात्रा निकाली थी, जिसका शुभारंभ हाथरस की सिकंदर राव विधायक व पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय, ब्लॉक प्रमुख रामेश्वर उपाध्याय ने फीता काटकर किया था। इसे उप जिलाधिकारी ने शांति भंग होने की वजह मानते हुए 26 नामजद सहित 201 ब्राह्मण समाज के लोगों के खिलाफ शांति भंग की धारा 107 116 CRPC में कोतवाली शासनी से रिपोर्ट दर्ज करा सभी को 5,00,000 रूपए की जमानत लेने को नोटिस जारी कर दिया। ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि परशुराम की शोभा यात्रा के लिए ब्राह्मण समाज द्वारा कोतवाली शासनी उप जिलाधिकारी से परमिशन मांगी गई। कोतवाली पुलिस ने उन्हें परमिशन दी पर उप जिलाधिकारी ने धोखे में रखकर हमारे खिलाफ मामला दर्ज किया, जो उनकी धर्म निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगा देता है। इनके द्वारा एक रैली निकालने की अनुमति मांगी गई, जिसकी पूर्व में कभी भी कोई लिखित अनुमति नहीं जारी की गई थी। शासन की प्राथमिकताओं में कि कोई भी बड़ी रैली का आयोजन नई प्रथा कोई ना डाली जाए, वो लिखित में अनुमति नहीं दी गई। उसी के कुछ इश्यूज थे कि कईयों के खिलाफ SHO के द्वारा कोई कार्रवाई की गई, हमारे यहाँ चालानी भेजी गई, वही प्रकरण है। उसी के संबंध में ये लोग मिलने आए थे और जो भी लोगों ने जिन बिंदुओं पर भी हमें अवगत कराया है और दोनों पक्षों को सुना जाएगा, दोनों की जांच करी जाएगी। यदि इन लोगों की तरफ से जो भी बातें रखी गई हैं वो सत्य हैं तो फिर विधिक कार्रवाई उसी हिसाब से की जाएगी और ये निश्चित रहे कि किसी के साथ इन दोनों का आरोप, ये लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए किसी भी रैली की परमिशन दी जाती है। लोहरदगा हो सकता है एक इंटीरियर क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे लोग गरीब हैं और मेला निकालना उनके लिए उनकी जीविका चलाने का साधन हो सकता है, तो उसको कंसीडर किया जा सकता। पर हमारे शासनी में एक ही दिन पे दो इतने बड़े मेले और रैलियाँ निकलने का आयोजन हो रहा था जो विधिक दृष्टि से लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ सकता है, उसी के दृष्टिगत रहते हुए ये कदम उठा। ये मामला परशुराम मेला से जुड़ा हुआ है, जिसे राजनीतिक रंग दे दिया गया है कुछ राजनेताओं के द्वारा, कुछ अटधर्मी अधिकारियों के द्वारा। हमारे द्वारा भगवान परशुराम मेला निकालने की परमिशन मांगी गई थी, जिसकी विधिवत तरीके से थाना इंचार्ज के यहाँ से रिपोर्ट लग के आ गई, CO साहब के यहाँ से रिपोर्ट लग के आ गई, लेकिन ये हमारी SDM है हठधमता अप्लाई हुई थी और इन्होंने हमें परमिशन नहीं दी और हमको गुमराह कर दिया गया कि हम देखते हैं और हम आपको परमिशन दे देंगे। लेकिन हमने जाँच दोबारा मंगाई है, जब एक बार जांच होकर आ चुकी थी तो दूसरा जांच होने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन हमने फिर भी उनका भरोसा किया और अपनी तैयारियों में लगे रहे। लेकिन जिस तरीके से हमारा हवन पूजा चल रहा था उस तरह इन्होंने हमें सूचना दी कि आपको परमिशन नहीं दी जा रही है, तो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा था, धार्मिक अनुष्ठान चल रहे थे, वो बीच में नहीं रोके जा सकते थे, क्योंकि इस तरीके से करना तो हमारी भावना पर ठेस पहुँचना था और हमने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिससे हमें पाबंद किया जा रहा है। इसमें हमने सुना है अभी हमने कि 201 लोगों को पाबंद किया गया है, 144 का उल्लंघन बता रही हैं मैडम। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं और मैं अपने आपके माध्यम से ये मैं संदेश देना चाहता हूं राजनेताओं को, अधिकारियों को, कि 144 धारा का कोई भी गजट नहीं हुआ था। अगर गजट भी हुआ था तो थाने से रिपोर्ट कैसे लग के आ गई, CO साहब की रिपोर्ट कैसे लग के आ गई? तो रिपोर्ट लग के आ गई तो मैडम को SDM महोदय शासनी को विधिवत तरीके से हमको परमिशन देनी चाहिए थी और परमिशन नहीं दी है, तो ये तो मैं तो यही कहूंगा कि धार्मिक उन्माद है इनका, ये धर्म विरोधी बात करती है, एक सांप्रदायिकता फैलाना चाहती है ये। और इन्होंने उर्स यहाँ मोमन का उर्स लगा था जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है कि 10 बजे के बाद कोई परमिशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें जो उर्स हुआ है यहाँ मोमन लोगों का वो रात के 3 बजे तक 4 बजे तक और पूरी रात यहाँ कब्बालियाँ हुई हैं। और हमारे हिंदू धर्म से इन्होंने एलर्जी है इनको, और जो हमारे यहाँ ऐसा कार्यक्रम हुआ है परशुराम भगवान परशुराम जी का, ये उसका विरोधी है, हमें ऐसा लगता है। ब्राह्मण समाज की मीटिंग है, जो ब्राह्मण समाज ने जो शोभा यात्रा 18 तारीख को निकाली थी, वो प्रशासन द्वारा SDM ने हठधर्मता के कारण 20 वर्ष जो ब्राह्मण समाज के लोगों पे जो मुकदमा लगाया गया है उसके संबंध में जो है आज ब्राह्मण समाज एकजुट होकर आज बैठक का आयोजन किया गया है। अगर यह तो ये मुकदमा वापस प्रशासन करता है, नहीं तो ब्राह्मण समाज SDM के खिलाफ तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन करेगा, आंदोलन करेगा।